ऑनलाइन क्लासेस इन एबीपीएस चैप्टर 6 सब्जेक्ट कंप्यूटर ये बातें देखेंगे। चैप्टर फर्स्ट बुकली हमने नहीं कराया था आपको इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट के बारे में। आज आप देखेंगे अबाउट द सीपीयू। ये सीपीयू बॉक्स इन ए केस दैट द हाउसेस द सीपीयू चिप एंड सम अदर प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज डिवाइसेस। सीपीयू क्या है? प्रोसेसिंग डिवाइस है एंड स्टोरेज डिवाइसेस है। प्रोसेसिंग भी करता है और स्टोरेज भी करता है। Such as the motherboard, sound card, hard disk, RAM and ROM. RAM आप जानते हैं random access memory और ROM read only memory. The CPU chip, the process, hardware, component receive instructions and input. These are given by the user and it perform various operations according to instructions. Input various द्वारा जो instructions मिलते हैं CPU को वो processing होता है। आपका processing is sent result and output devices. इसके बाद क्या होता है वो सेंड रेट आपको रेट देता है आउटपुट डिवाइस में। इट इज आल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। द सीपीयू कंसिस्ट ऑफ द टू मेन कंपोनेंट। टू टाइप्स होते हैं सीपीयू। सीपीयू नंबर फर्स्ट एएलयू। एएलयू का अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। द अर्थमेटिक एंड लॉजिक इज द रिस्पांसिबल फॉर ऑल काइंड्स ऑफ द अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस। It performs arithmetic, logic, plus, minus, add, subtract, divisions, equal, greater than, less than, and etc. जो mathematical symbols होते हैं, वो ALU के according होते हैं। If you input two numbers or data multiplying them, become instructions, addings, and the two numbers. CPU from memory, the numbers send the ALU multiplication. Multiplication ALU क्या करता है? ALU जो सेंड करता है मेमोरी को विद आफ्टर द प्रोसेसिंग। आप प्रोसेसिंग करने के बाद ALU फ्रॉम द कैलकुलेशंस ये कैलकुलेशन करता है एंड रिजल्ट फॉर द आउटपुट डिवाइस और हमें आउटपुट डिवाइस में रिजल्ट देता है। CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। CU क्या है? कंट्रोल यूनिट। द कंट्रोल यूनिट एंड गाइड्स इंस्ट्रक्शन देन एंड एजुकेट देम। द कंट्रोल यूनिट रिसीव्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मेमोरी एंड एजुकेट देम। When the education of the instructions over the control transmits signals to memory for sending next bit, it also manages the flow data input and output from the memory output devices. CU control unit ये हमारे input output processing होता है, इसको control में नियंत्रित करता है। Memory in a computer, main memory क्या होती है? Computer memory is the primary used for storing data only. It is also known as the main memory. और प्राइमरी मेमोरी और इंटरनल मेमोरी। हम मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और इंटरनल मेमोरी बोलते हैं। मेन मेमोरी कंसिस्ट ऑफ द रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको आरएएम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, एंड रीड ओनली मेमोरी, इसको हम रोम बोलते हैं। द डाटा इंटर्न इनटू कंप्यूटर गेट्स कन्वर्टेड टू बाइनरी डिजिट 0 एंड 1। ये बिट के द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द बाइनरी डिजिट। यूनिट्स ऑफ द कंप्यूटर मेमोरी, हमने डिवीजन बार में यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी दिया गया। 8 बाइट्स द 1 बाइट, 1024 बाइट्स 1 किलो बाइट, इसको केबी बोलते हैं। 1024 केबी 1 मेगाबाइट, इसको एमबी बोलते हैं। 1024 एमबी 1 गीगाबाइट, इसको जीबी बोलते हैं। 1024 जीबी इक्वल टू टेराबाइट, इसे टीबी बोलते हैं। 1024 टीबी इसका पेटाबाइट, टीबी बोलते हैं। 1024 पीबी 1 एक्स्ट्रा बाइट, इसको एसबी बोलते हैं, ईबी बोलते हैं। 1024 ईबी इक्वल टू द डेटा बाइट्स, इसको जीबी बोलते हैं। होमवर्क में आपको मैथ्स का पालन करना है, इसको नेक्स्ट चैप्टर में आपको कराएगा। तो रिवीजन पार्ट में दिया गया सुपर कंप्यूटर सीयू एएलयू रोम एंड रैम। इधर नॉन रैंडम मेमोरी फास्ट एंड कंप्यूटर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स द ऑपरेटर्स एंड एजुकेशंस द फॉलोइंग मेमोरी। ये आपको मैजिक होमवर्क मैथ्स करके लाने हैं। होमवर्क नोट करेंगे, लर्न बुक फिलिंग, आपको बुक फिलिंग जो है इसको लर्न करना है, और आपको ये यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी दिया इसको भी लर्न करना है।